नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के साथ चोर गिरोह को काबू किया। राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरीशुदा 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुके हैं। शहर थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद पुलिस टीम ने बीते दिन भट्टू रोड पर एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह में से एक सदस्य को काबू कर लिया है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है और यहां पर बाइक बेचने की फिराक में था। पुलिस ने उसे धर दबोचा। शहर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन भट्टू रोड पर पुलिस टीम वाहन चेकिंग के लिए थी, तो उसी दौरान एक टीम ने बाइक सवार को रोकना चाहा तो उसने बाइक वापस घुमा करके भागने का प्रयास किया तो बाइक बंद हो गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि बाइक चोरी का है, जिस कारण पुलिस ने उसे काबू कर लिया और अदालत में रिमांड ले लिया गया। रिमांड के दौरान उसने बताया कि वह नोहर क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ चोरी की बाइक बेचने आया था। उसने बताया कि वह सिरसा और राजस्थान से बाइक चोरी करता है, जबकि उसका साथी फतेहाबाद का रहने वाला है और यहीं से बाइक चोरी करता है। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर सिरसा रोड से आधा दर्जन बाइक और स्कूटी बरामद की है। इन सभी वाहनों की नंबर प्लेट गायब थी। आरोपी ने बताया कि वहां 5-6 हज़ार रुपये में बाइक ग्रामीण क्षेत्रों में बेच देते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये मामला जी परसों हमारी पुलिस की टीम भट्टू रोड पे चेकिंग कर रही थी, व्हीकल चेक कर रही थी, तो उस समय एक व्हीकल आया भट्टू की तरफ से आया व्हीकल, जिसको रुकाने की कोशिश की, उसने रोका नहीं, उल्टा उसको वापस मोड़ के भगाने लगा तो बाइक बंद हो गई, आगे चली नहीं, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ये बाइक चोरी कर रखी है, तो जिसके संबंध में उसको अरेस्ट किया गया उस मुकदमे में। उसके बाद उसका रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के अनुसार उसने उसके पास से 6 व्हीकल और बरामद किए करवाए हैं, तो उससे 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, जिनमें एक स्कूटी भी है, एक अपाचे है जो काफ़ी महंगी बाइक है, और उसके अलावा स्प्लेंडर प्लस है, होंडा डीलक्स है, होंडा है, एक स्कूटी है वो बरामद करवाई है। इसका एक और भी साथी है, उसको भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है, वो फरार है अभी, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार। कहाँ रखे हुए थे सर चोरी के भाई? इन्होंने अपने एक जगह यहाँ बनाई है सिरसा रोड पे, तो वहाँ रखे हुए थे। ये क्या करते हैं, इस बाइक को जो चोरी करते हैं उसको आगे 5,000, 4,000 या 6,000 के हिसाब से बेच देते हैं। इस बाइक वैसे वो आगे चलते रहते हैं। ये जो बाइक बरामद हुई किसी के भी नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे है ना पीछे। तो जो बाइक सर बरामद हुए हैं चोरी, इनके पार्ट्स बेचते हैं या सीधा मोटरसाइकिल ही बेचते हैं? नहीं, ये पार्ट्स नहीं बेचते, सीधा मोटरसाइकिल ही बेचते हैं जी, सस्ते दाम पे। हाँ जी, मोटरसाइकिल पूरा बेच देते हैं, वैसे वैसे ही जैसे कोई गांव में चलाते रहता, शहर में गांवों में तो चेकिंग होती नहीं किसी प्रकार की। कहाँ कहाँ से चुराते थे सर ये? इन्होंने सिरसा से और फतेहाबाद से और नौहर राजस्थान से, वहाँ से चोरी की। ये कहाँ से, इसका मुख्य अड्डा कहाँ से था जो चुराता था? ये रहने वाला था जी, नौहर का रहने वाला है, 16-17 चेक है नौहर भट्टे से गाँव। तो इसकी पहचान सर, पढ़ा लिखा कितना है, क्या काम करता, मतलब पहले क्या करता था, चोरी में क्यों आया, बताया इसने कुछ? कुछ नहीं, उसने बस वैसे उसको मंशा थी भी मैं पैसे कमाऊँ, अलग अलग बाइक पे घुमा करूँ, ये जो काम तो करता नहीं था ये। ये जो आपने बताया कि ये इसका इलाका सिरसा था और ये फतेहाबाद में पकड़ा गया, दूसरा जो फरार है वो फतेहाबाद से बाइक चुराता था? हाँ ऐसा ही है, ये लगभग इस आदमी ने सिरसा से बाइक चुराई हुई है, तो इसका जो साथी है वो फतेहाबाद से चुराता है, ये दूसरे दूसरे एरिए में फिर आके बाइक को भेजता है। तो ये सर अब यहाँ फिर इसका इलाका सिरसा था तो फतेहाबाद कैसे पकड़ा गया? फतेहाबाद ही बेचने आया हुआ था।